ऊपर तो संसारी जीवों की ही बातें करी थी, जड़ क्रियावादी और शुष्क ज्ञानी, अब बात कर रहे हैं आत्मार्थी कौन है। और उसके लिए बड़ी ही यूनिवर्सल गाइडेंस देती हुई ये गाथा है, जहां जहां जो जो योग्य है। आज की गाथा पर आ रहे हैं जो अपने में अलौकिक गाथा है। साहित्य की दृष्टि से भी देखें तो इस गाथा में इतना गंभीर अर्थ पड़ा है कि जो गंभीर अर्थ मैं कितने भी विवेचन कर लूं ना, इसे उघाड़ नहीं सकती। दिस इज द यूनिवर्सल पाथ जो आज की गाथा के अंदर आ रहा है। किसी भी धर्म, किसी भी मान्यता, किसी भी संप्रदाय, किसी भी दर्शन को तुम फॉलो करो, लेकिन आज की गाथा हर दर्शन, हर विज्ञान, हर संप्रदाय को मान्य होगी, ऐसी गाथा है। शुरू करते हैं आठवीं गाथा। जहां जहां जो जो योग्य है वहां समझना हो, वहां वहां वैसा चरण आत्मार्थी जन हो। हमारा जीवन कैसा है, जहां जहां जो जो अनुकूल है, यस और नो, वहां समझना वो और वहां वहां वैसा आचरण। तुम्हें क्या कन्वीनियंट है ना, वही तुम समझना चाहते हो और वही तुम्हारा आचरण है। मैंने बिल्कुल बहुत सोचा आज की इस गाथा के लिए, मैंने कहा क्या प्रभु कह रहे हैं, जहां जहां जो जो योग्य है वहां समझना वो और वहां वहां वैसा आचरण, पहले समझना और फिर वैसा आचरण करना। तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो हमें योग्य से कोई लेना देना नहीं है, हमें किससे लेना देना है? जहां जहां जो जो कन्वीनियंट है वहां समझना वो और वहां वहां वह, तुमने तो अर्थ का अनर्थ कर डाला। कौन निर्णय करेगा कि क्या योग्य है? कौन निर्णय करेगा? अब ये इतनी अनेकांतवाद से भरी गाथा है ना, इतनी रिलेटिविटीज गाथा के अंदर है कि इसका निर्णय करना अपने में एक बहुत ही विशाल बुद्धि की अपेक्षा रखता है, बहुत ही इनफाइनाइट वेवलेंथ होगी, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि योग्य क्या है। प्रभु ने तो सीधा लिख दिया आठवीं गाथा, वो आत्मसिद्धि की ओपनिंग लाइन्स चल रही है, मैं तो ऐसा ही कहूंगी ना अभी तो। और ओपनिंग लाइन में जहां जहां जो जो योग्य है वहां समझना वो, वहां वहां वैसा आचरण आत्मार्थी जन वो, आगे बताएंगे आत्मार्थी के लक्षण में इसी बात को डिटेल में ले जाएंगे। लेकिन जहां जहां जो जो योग्य है और हमारा जीवन जहां जहां जो जो अनुकूल है, ये अनुकूलताएं दो प्रकार से होती है, एक विषयात्मक अनुकूलता और दूसरी गुणात्मक अनुकूलता। विषयात्मक अनुकूलता यानी तुम्हारे विषय, जितने पांच इंद्रिय के विषय है ना, उनमें अनुकूलता रहे, ऐसे को तुम योग्य मानते हो। ध्यान से समझना, तुम्हारे पांच इंद्रिय, अब भी तुम्हें यहां आकर सत्संग सुनना हो तो तुम्हें पता है नीचे जमीन पर बैठना पड़ेगा, यहां पर कम जगह में ज्यादा लोग बैठते हैं, समटाइम्स सो सफोकेटिंग, आओ ना घर पर बैठ के सत्संग देख लेते हैं आराम से, इतने बड़े टीवी के अंदर आराम से सोफे में पैर लंबा करके देखते हैं, कंटेंट तो यही डिलीवर होने वाला है और क्या। अब तुमने क्या चूज कर लिया? अनुकूलता। अनुकूलता हमेशा कैसी होती है? विषयात्मक होती है, यानी तुम्हारे पांच इंद्रिय के विषयों को अनुकूलताएं मिलनी चाहिए, कंफर्ट जोन जिसको हम बोलते हैं। तो तुम्हारी अनुकूलता ये भी हो सकती है, ये मोहजनित होती है, यानी जो विषय की तरफ ही आकर्षित है। तो दूसरी तरफ तुम्हारी अनुकूलता बड़ी ही धर्मजनित भी हो सकती है, जिसमें गुणात्मक विकास की भावना होती है। कह रहे नहीं नहीं घर में तो चाहे अपने को जो स्पेस है वो बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो एब्सोल्यूट फोकस है वो तो प्रभु के समागम में सामने बैठते हैं ना तभी आता है। अब ये तुम्हारा लक्ष्य है चुनाव का, तो तुम गुणात्मक चुनाव की तरफ जा रहे हो, और तुम्हारा चुनाव का लक्ष्य ये है कि विषय की कंफर्ट कैसे मिले, तो तुम विषयात्मक चुनाव की तरफ जा रहे हो।
और दोनों में ही ढूंढ तुम अपनी अनुकूलता ही रहे हो, अभी और कुछ नहीं ढूंढ रहे हो। लेकिन तुम खुद भी समझ सकते हो पलड़ा किसका भारी है, गुणात्मक का। कहां तुम जीरो डिस्ट्रैक्शन में बैठ सकते हो। कई बार हो सकता है कि आसपास बैठने वाले इतना परेशान कर रहे हो कि यहां तुम्हारा फोकस ही ना बने। तुम कहोगे इससे अच्छा तो मैं घर में अकेली देख लेती, पास वाली कभी ये शैला प्रभु हिलती है तो कभी उस तरफ चाची हिलती है तो ये रेणु प्रभु कहेंगी इससे अच्छा तो मैं घर पे बैठ के देखूं, कभी वो पैर हिलाते हैं कभी हाथ हिलाते हैं, इससे अच्छा मैं घर में बैठूं। अब ये क्या है, देखो वो उनका फोकस तो क्या है कि मैं फोकस रहूं। गुण क्या चाहते हैं, वो मैं फोकस रहूं और इसलिए वो घर पर जाकर ढूंढ अपना सत्संग देखना चाहते हैं। ये राइट होगा क्यों? तब तुम्हें दूसरी बात सोचनी है, तुरंत ही दूसरी बात पर तुम्हारा पक्ष चला जाना चाहिए कि अरे भले यहां आड़ा आवड़ा ये लोग सब हिलते डुलते रहते हैं लेकिन प्रभु का औरा वो थोड़ी घर पर मिलने वाला है हमें। इस बात के भाव से तुम्हें वापस चुनाव ये करना है। तो जहां जहां जो जो योग्य है वहां समझना हो। अब दूसरा प्रश्न उठ जाता है कि योग्य क्या है, इसका निर्णय कौन करेगा? योग्य क्या है ये कौन कितना समझ पाएगा? देखो एक निश्चय रखना, तुम उतना ही समझ पाओगे जितनी तुम्हारी योग्यता है, इसलिए योग्य वर्ड लिखा है यहां। आज एक बच्चे के सामने टेबल पर एक खिलौना रखा जाए और एक 50,000 का बंडल रखा जाए, वो क्या चुनेगा? खिलौना, खिलौना ही चुनेगा। उसकी योग्यता ही इतनी है कि वो चुनेगा खिलौना, वो 50,000 का 2,00,000 का बंडल नहीं चुनेगा कभी। अब ये योग्यता जितनी होगी ना तुम्हारे चुनाव उसी के अनुसार होंगे और ये पूरा मार्ग तुम्हारी इस योग्यता को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। जितने भी सत्संग है उसका एक ही प्रयोजन है कि तुम्हारी योग्यता बढ़े, तुम्हारे निर्णय तुम्हारी योग्यता में से आए, किसी के गुरु के दबाव से नहीं। मैंने बोल दिया इसलिए करना है, ऐसा नहीं, वो मैंने बोला तुमने समझे और तुमने वैसा आचरण किया, ये राइट नहीं है। मेरा कहा हुआ तुम्हारे को बिल्कुल सम्मत हो जाए कि जो प्रभु कह रहे हैं यही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, इसलिए मेरे को इसे करना है, तो समझना योग्यता बढ़ी। तो प्रभु क्या कह रहे हैं, योग्यता जितनी होगी वैसा ही तुम समझ पाओगे और जैसा तुम समझ पाओगे वैसा ही तुम आचरण कर पाओगे। जरा इस गाथा को इस एंगल से देखो, आज थोड़ा डिफरेंट कट ले रही हूं मैं। जितनी तुम्हारी आंतरिक योग्यता होगी उतना ही तुम समझ पाओगे और जितना तुम समझ पाओगे उतना ही तुम आचरण कर पाओगे। अब होता क्या है, तुम्हारी योग्यता में बाधक कौन है? तो शास्त्र बताते हैं कि जो चार संज्ञाएं हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये संज्ञाएं ही बाधक है। संज्ञाएं यानी जो ज्ञान एकदम चिपक गया है तुम्हारे साथ, अज्ञान। होता क्या है, योग्यता को बढ़ाना है। जीव सदगुरु के सत्संग में भी आता है, सत्संग में से अपने लिए कोई मैसेज भी उठा लेते हैं। मान लो उसको आहार का बहुत आकर्षण है, मान लो खूब भोजन की वृत्ति है, खूब भोजन के बारे में सोचता है, वो जीता है तो भोजन के लिए, मरता है तो भोजन के लिए, सोता है उठता है भोजन भोजन भोजन, बस खूब आहार के प्रति का आकर्षण है। तुम देखना कि तुम्हारे दिन में कितने घंटे खाली आहार के विषय में तुम्हारे जाते हैं, तो ये आहार का आकर्षण। सत्संग में आते ही दोष अवलोकन की क्रिया में उतरते ही तुम्हें तुरंत अपनी इन चार संज्ञा में से कोई एक संज्ञा पकड़ में आ जानी चाहिए कि मेरी संज्ञा कौन सी है, आहार संज्ञा, एंड आई कैन वर्क अपॉन इट। आहार संज्ञा पर वर्क करने के लिए सदगुरु के ही सत्संग से या आज्ञा से, देखो एक तो होता है सत्संग में एक जनरल बातें करी जाती है, एक है तुम आज्ञा लो कि प्रभु ये आहार संज्ञा का दोष ना मेरा जबरदस्त है, मेरे को इतना ज्यादा आकर्षण होता है कुछ भी देख लूं तो खाने के प्रति कि मैं उसे छूट ही नहीं पाती हूं, तब गुरु तुम्हें किसी संयम में डालते हैं। आहार संज्ञा है तो किस में डालेंगे गुरु, संयम में डालेंगे, तुम्हें 2 महीने का भी संयम देंगे। देखो अब ये करना पड़ेगा क्योंकि अब योग्यता तुम्हारी उभारी जा रही है। अभी तक तुमने समझा था कि आहार का आकर्षण गलत है लेकिन फिर भी तुम आकर्षित हुए चले जा रहे थे,
तो अब तुम गुरु के पास आते हो और तुम बोलते हो कि ऐसा ऐसा है, तो वो तुम्हें कोई भी संयम का पाठ दे देते हैं। 2 महीने संयम करने से तुम्हारी आहार की संगना जाती है। और 2 महीने क्यों? क्योंकि मैंने बताया है 66 डेज, 66 डेज में वो संज्ञा हमारी टूटती है। तो वो संज्ञा तुम्हारी धीरे धीरे कम होगी। वो जैसे ही संज्ञा तुम्हारी टूटेगी तो क्या होगा, संज्ञा के टूटने से मतलब वो थोड़ा ढीला पड़ा, अब क्या होगा, जो विक्षेप आदि है, मल है, विक्षेप है, उनमें अपने आप मंदता आएगी कि नहीं आएगी, बाधा बार बार। तुम करना तो चाह रहे थे सत्संग और ध्यान, लेकिन आहार के विचार ही तुम्हें तंग किए जा रहे, क्या मिलेगा, सब्बे का सैंडविच खाएं, आजकल तो ये नहीं खा सकते। अंदर अंदर तुम्हारे अंदर कितने थॉट्स चल रहे आहार को लेकर। अभी मैं खाली आहार की बातें कर रही हूँ। जब तुम संयम लेते हो तो संयम का बल इतना होता है, आहार का सीधा सीधा एंटीडोट संयम है, आहार संयम लेते ही तुम्हारी आंतरिक शक्ति का विकास होता है। और वो शक्ति का विकास होने के कारण अब तुम्हारे मल विक्षेप आदि कम होते हैं, और इससे अब तुम्हारी योग्यता बढ़ती है। और योग्यता बढ़ती है, अब तुम गुरु की बातों को अलग ही ढंग से समझते हो और अलग ही ढंग से आचरण करते हो। और ऐसा हर संज्ञा के साथ होता है। भय संज्ञा को छोड़ दो अभी, लेकिन बाकी की 3 संज्ञा है, इसको ध्यान से समझो, तुम्हारे जीवन में यही है और कुछ नहीं है। जीवन का विस्तार यानी आहार, भय, मैथुन और परिग्रह का विस्तार। परिग्रह की संज्ञा है तुम्हारे अंदर, और इकट्ठा करूं और ले लूं और ले लूं। जितनी बार मॉल में जाओगे, आवश्यकता है कि नहीं है, तुम इकट्ठा डंपयार्ड करते हो कि नहीं करते, परिग्रह। अब तुम्हें सत्संगों को सुनकर तुम्हारी योग्यता इतनी होनी चाहिए कि तुम इस दोष को पकड़ पाओ कि ये मेरा विक्षेप है, ये ले लूं, वो ले लूं, यहां चले जाऊं, वहां चले जाऊं, ये मेरा विक्षेप है। तुम इस विक्षेप को पकड़ोगे तो गुरु से संयम की आज्ञा लोगे, तो परिग्रह संयम की बात आएगी कि भाई ठीक है, तुम्हें लेना जाना पड़ता है, पर हमने नियम बना रखे ना परिग्रह संयम। अभी ये सब वेडिंग की बातें चलती है तो कृति को हर कोई फोन करके पूछ रहा होता है उसकी फैमिली में कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए। एंड शी हैज अ वेरी क्यूट सिंपल आंसर कि मैं श्री गुरु के घर जा रही हूँ, मेरा परिग्रह कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से। परिग्रह की भाषा में बात चल रही है। देखो, नहीं तो वेडिंग के लिए हर कोई पूछ रहा है, मामा है, मासा है, सब लोग पूछ रहे हैं क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए। मैं गुरु के घर जा रही हूँ, मैं परिग्रह कम करके जाऊंगी, बढ़ा के नहीं जाऊंगी। ये परिग्रह की इंटेंशन से भी तो बात करना तुम्हें किसी गुरु ने सिखाया कि नहीं। तो जैसे ही तुम्हारा परिग्रह विस्तार होगा ना, तो गुरु परिग्रह का संयम देंगे, और संयम होते ही क्या आएगा, शक्ति का संचय होगा, शक्ति तुम्हारी बचेगी, और जो शक्ति तुम्हारी बचेगी वही तुम्हारी योग्यता को बढ़ाएगी। और क्या योग्यता बढ़ाएगा, 10 सत्संग सुनने के 100 सत्संग सुनो, उससे योग्यता नहीं बढ़ेगी। तुम्हारे विलन कौन है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। तो तुमने जैसे ही परिग्रह के ऊपर संयम लिया, गुरु आज्ञा में लिया वो भी, तो क्या हो गया, या तो गुरु को साक्षी मान के ले लो, या प्रत्यक्ष में बात करके ले सकते हो तो बात करके ले लो, बट मिनिमम 2 मंथ्स। 1 दिन के परिग्रह संयम से कुछ नहीं होता, 1 दिन के आहार संयम से कुछ नहीं होता। तो जहां तुमने संयम लिया, शक्ति का संचय होता है, और जैसे ही एनर्जी तुम्हारी संग्रहित होती है, वही एनर्जी तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाती है, और वही ऊपर उठी हुई चेतना को हम कहते हैं जीव अब योग्य हुआ। तुम्हें ज्यादा भक्ति गानी आ जाए तो तुम योग्य हुए, ये अध्यात्म में नहीं कहते। हाँ, वो गायन की फील्ड में होगा कि अच्छी भक्ति गाना आ जाए, अच्छे लय से गाना आ जाए, तो वो गायन के क्षेत्र में जरूर होगा कि इसकी योग्यता बढ़ी। आपको ज्यादा सत्संग याद रह जाते हैं तो ये सत्संग के क्षेत्र में माना जाएगा कि ठीक है भाई, इनकी याद शक्ति बहुत अच्छी है, बहुत याद रहता है। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में योग्यता किसको कहेंगे, कि जब तुम्हारी चेतना उन्नत हो, तुम्हारे मल विक्षेप और अज्ञान के दोष टले। और ये तभी होते हैं जब तुम अपने अवलोकन से, इसलिए परम कृपाणु देव ने कहा ना, विक्षेप कैसे जाएगा, स्वदोष अवलोकन से, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह से, सरलता से, क्षमा से, इसी तरह जाएगा।
कोई सोचता है मेरा दोष परिग्रह है, और खरीद लूं। न्यूज़पेपर में भी एड आई नहीं कि मन भागा नहीं वहां। अरे तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें लेना नहीं है, लेना हो जरूरत हो पर औकात नहीं है, पर फिर भी तुम्हारा माइंड उसी तरफ भाग रहा है। परिग्रह संज्ञा है, ये बहुत बड़ा विकार है। तो क्या करेंगे? संयम, गुरु की साक्षी से या गुरु के समक्ष कहीं पर भी एक संयम 2 महीने का, और वो बनाती है तुम्हारी योग्यता। तुम्हें तीसरा क्या है यहाँ पर? मैथुन का प्रॉब्लम है। अभ्रम सेवन तुम्हारे जीवन का, मतलब सारा तुम्हारा दिमाग घूमता ही है भोग संज्ञा के आसपास। बहुत ही अधिक कामुकता तुम्हारे जीवन के केंद्र में रहती है, विचार कामुकता, शरीर की कामुकता, व्हाटएवर कामुकता। तो करना क्या है? सिंपल अगेन, संयम, ब्रह्मचर्य का पालन, भोग आदि में संयम। और जहां भोग आदि में संयम करो, आजकल तो केवल शरीर का भोग नहीं रह गया, आजकल भोग तुम्हारे उंगलियों पर आ गया है, तो डिजिटल भोग हो गया है, तो साथ साथ वो डिजिटल भोग का भी संयम। तुम शरीर का भोग रोक रहे हो पर डिजिटल भोग तुम्हारा सतत चल रहा है, तो एनर्जी तुम्हारी संचय नहीं होगा। और 2 महीने भी अगर तुम उस संयम में रहते हो तो तुम्हारी ऊर्जा जो डिस्ट्रैक्शन में जा रही थी, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन था, आहार का, परिग्रह का, मैथुन का, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन गया और तुम्हारी चेतना ऊपर की ओर उठी। इसी को कहते हैं जीव योग्य हुआ। और जब इन 3 को तुम कंट्रोल कर लो ना, आहार, परिग्रह और मैथुन, ये 3 ग्रॉस है। देखा, इनके लिए कोई ना कोई ग्रॉस वस्तुएं चाहिए। आहार के लिए भी कोई ग्रॉस स्थूल वस्तु चाहिए, परिग्रह के लिए भी स्थूल वस्तु चाहिए और मैथुन के लिए भी कोई स्थूल व्यक्ति चाहिए। लेकिन जो भय है ना, वो सूक्ष्म तरंग है, और इन 3 को जोड़ने की कड़ी क्या है? वो भय है। ये समझ लेना, आहार, मैथुन और परिग्रह 3 बीड्स हैं, 3 बीड्स हो अगर, और उन 3 बीड्स को जोड़ने वाली धारा कौन सी है? भय। अगर तुम बीड्स को ही तोड़ देते हो, बीड्स को ही निकाल के फेंक देते हो, तो अब धागे का क्या काम? तो अगर आहार, मैथुन और परिग्रह के अंदर तुम्हारा संयम जागृत होता है और तुम योग्य बनते हो, तो तुम्हारी चेतना अपने आप निर्भयी हो जाती है। निर्भयता कहां से आती है? कहां से निर्भयता आती है? खाली सोच लेने से निर्भयता नहीं आती, उसके लिए पूरे प्रोसेस में से पसार होना पड़ेगा। और प्रोसेस कहाँ पड़ा है? आहार में, परिग्रह में और मैथुन संज्ञा के अंदर है। समझ में आ रहा है? तो कहना क्या है? इसलिए मैंने कहा ना, ये गाथा बहुत अद्भुत है। जहाँ जहाँ जो जो योग्य है, अब ये स्थान और क्षेत्र की अपेक्षा से नहीं है, व्यक्तिगत अपेक्षा लो। तुम्हारी जितनी योग्यता है तुम उतना ही समझ पाओगे, और तुम जैसा समझ पाओगे वैसा ही आचरण कर पाओगे। आत्मार्थी जन वो। दोष कुल मिला के 3 ही है तुम्हारे, 3 ही। कौन सा? आहार, मैथुन। और इन 3 दोषों को टालने के लिए 3 और दोष पड़े हैं, अज्ञान, विक्षेप और मल। अब तुम्हारे को आहार संयम लेने में अज्ञान का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसका है? विक्षेप और मल का। तुम्हें मैथुन त्याग के अंदर अज्ञान का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहां से? तुम्हारे मतलब हर एक के सपोर्ट में और कोई खड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहती हूँ गाथा बहुत ही अद्भुत है। हाँ, ये चेन रिएक्शन चल रही है, और कहां से तोड़ना ना, ये किसी ज्ञानी से ही समझना पड़ेगा। हूं तो दोष अनंत नु भाजन छू करुण, अनंत दोष है लेकिन उसमें से शुरू कहां से करूं ये बताओ ना। तो शुरू इन 3 से होगा, संयम, आहार, तृष्णा बहुत है तो क्या करना है? संयम लेना है। संयम लेने से आहार संगना मंद पड़ती है, और आहार संगना मंद जैसे होती है तो आहार में जो ऊर्जा तुम्हारी जा रही थी वो सारी अब तुम्हारी चेतना के निर्माण में जाती है, और इसी से तुम्हारी योग्यता बढ़ती है।